Hey kids, welcome back to Magnet Breeze. This is Kushi Bhatnagar, and today we are going to do the chapter eight, which is a treat for mosquitoes. So, mosquitoes, yani mosquitoes, matlab matlab machar, right? हम रोज़ देखते हैं ना कोई ना कोई mosquitoes को हमें कहीं ना कहीं काट भी लेते हैं बहुत बार, right? सो so, अब इनके ही तो बारे में हमें इस चैप्टर में रीड करना है आपको जो फुल चैप्टर वर्क इनके बारे में है इनके बारे में है यानी मॉस्किटोज के बारे में है कि जब ये ये बाइट करते हैं काट लेते हैं हमारे हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा बहुत इचिंग भी देते हैं तो कितना ज़्यादा वो हो जाता है इरीटेटिंग जब हमें ऐसा लगता है कि यार कितने मच्छर हैं यार कितने मॉस्किटोज हैं ना और ये कितने ज़्यादा जब बाइट करते हैं तो इट विल मेक अस इचिंग बहुत इचिंग हो जाती है सो इतना ही नहीं मॉस्किटो से काफ़ी सारी सीरियस डिसीज़ेज़ भी होती हैं हमें मॉस्किटो से राइट काफ़ी सारी सीरियस डिसीजेज होती हैं लाइक मलेरिया एंड अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी हैं अगर हम इनडायरेक्टली बात करें वैसे डायरेक्टली तो मलेरिया होती है बट इनडायरेक्टली मॉस्किटो से काफ़ी सारी डिसीज़ेज हमको होती हैं ओके सो जो डिसीज़ेज होती हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट यानी कि कैसे हम उन डिसीजे से क्योर हो सकते हैं कैसे हम ठीक हो सकते हैं सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर कि कैसे हम उन चीज़ों से उन डिसीजेज से ठीक हो सकते हैं राइट right? सो so, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन इस चैप्टर में आप लोग बहुत कुछ न्यू न्यू थिंग्स लर्न करने वाले हो कि जब आप खुद अपने पेरेंट्स को बताओगे कि अच्छा ऐसा होता है तो इस डिसीज में ऐसा करते हैं वी नो दैट सो so, ये चैप्टर आपको बहुत कुछ नया नया चीजें सिखाने वाला है सो so, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करेंगे विथ अ स्टोरी स्टोरी जो है वो है कुछ बच्चों की ओके वेन रजत इज बैक एट स्कूल टूडे रजत है इज अ बॉय जो बैक यानी वहाँ पर स्कूल आया है ही हैड बीन अपसेंट फॉर मेनी डेज बहुत दिनों से जो अपसेंट था आज वो बहुत दिनों बाद क्या है स्कूल आया है हाउ आर यू नाउ नाउ आज आरती आरती एक उसकी फ्रेंड है में। उसने क्या पूछा हाउ आर यू नाउ अब तुम कैसे हो सो आई एम ऑल राइट रजत रिप्लाई सॉफ्टली रजत ने क्या रिप्लाई किया आई एम ऑल राइट देन जसक्रीत यू मस्ट है लॉट वाइल यू वर एट होम सो so, एक और गर्ल थी क्लासमेट उसने क्या कहा कि कितना इन्जॉय किया होगा ना तुमने घर में यू इंजॉय वेरी वेल राइट तुमने काफी सारे गेम्स खेले होंगे अपने घर में देन रजत ने क्या कहा हु टू प्ले यू हैव अ फीवर ऑन द ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन इवन आई हैड अ ब्लड टेस्ट सो रजत ने क्या बताया कौन खेल पाता है जब उसको फीवर हो और मुझे तो फीवर था मुझे तो और कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ रही थी और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था ब्लड टेस्ट हमारे हमने तो स्कूल टेस्ट सुना था वॉट इज ब्लड टेस्ट अभी तक तो हमें यही पता था कि स्कूल टेस्ट होते हैं राइट ब्लड टेस्ट क्या होता है ब्लड यानी अच्छा हमारा ब्लड जो है वो एग्जाम देने जाता है ऐसा कुछ नो no, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्लड टेस्ट जो होता है सो so जसक्रीत ने कहा ब्लड टेस्ट वाई इट मस्ट है तो so जसक्रीत ने कहा कि ओ एक ब्लड टेस्ट बहुत पेनफुल होगा ना बहुत दर्द हुआ होगा देन आफ्टरवर्ड्स वॉट हैपन देन रजत

मलेरिया सो so, उन्हें टू टू थ्री ड्रॉप्स लिए और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया test, आपके कुछ ब्लड के ड्रॉप्स लिए जाते हैं और उन्हें टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है सो so, बेसिकली हमारा ब्लड ही तो गया टेस्ट देने राइट सो आफ्टर दैट टेस्ट जो रिजल्ट आया उससे क्या पता चला रिजल्ट से कि मुझे मलेरिया है रिजल्ट से क्या पता चला कि मुझे मलेरिया है ओके okay? आपको मलेरिया तब लगा जब आपको मॉस्किटो ने बाइट लिया बाइट कर लिया सो रजत सेट ये बट वी फाइंड आउट दी ब्लड टेस्ट पर ऑब्वियसली जब हमें किससे होती है डिसीज मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होती है राइट right? जब मॉस्किटो हमें बाइट कर लेता है सो हमें हो सकता है कि हमें मलेरिया हो जाए बट इसको पता इसको कंफर्म कैसे कर सकते हो बाई दी ब्लड टेस्ट ये ब्लड टेस्ट ये तभी कंफर्म हो सकती है जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको है कि नॉर्मल ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल फीवर भी हो बट आप ब्लड टेस्ट कराएं तो देन रिजल्ट में आपको पता गया कि दैट यू हैड अ मलेरिया तो जसप्रीत ने कहा देर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डि नॉट गेट द मलेरिया जसप्रीत ने कहा मेरे घर तो बहुत सारे मॉस्किटोज हैं बट मुझे कभी मलेरिया नहीं हुआ हमें भी क्या होता है कई बार मॉस्किटोज काटते हैं बट ऐसा थोड़ा कि जैसे ही काटा वैसे हो गॉड मुझे मलेरिया तुम्हें मलेरिया मॉस्किटोज तो काटते रहते हैं दे गेट दे बाइट यू दे सक योर ब्लड सो ऐसे नहीं होता है ना कि जैसे उन्हें ब्लड सक किया जैसे उन्हें बाइट किया सो यू गेट द मलेरिया नो सो ऐसा नहीं होता है सो नैसी रिप्लाइड हु से इज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया किसने कहा कि हर मॉस्किटो जो हमें बाइट करता है वो मलेरिया कॉज करता है यानी उससे मलेरिया हो जाता है ऐसा नहीं है कि हर मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया हो जाए मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज मलेरिया कैसे हो सकता है जिस मॉस्किटो को डिसीज़ है कोई एक डिजीज है मॉस्किटो को यस जिस मच्छर को यानी मॉस्किटो को कोई डिसीज़ है कोई बीमारी है वो आपको अगर बाइट करता है तो आपको फिर डिसीज़ हो सकती है आर यू क्लियर अब ये चीज आप अपने पेरेंट्स को बताना ही पता है कैसे होता है मलेरिया सो so, जब जो मॉस्किटो को डिसीज़ है वो मॉस्किटो आकर आपको बाइट करेगा तो आपको डिजीज हो सकती है राइट नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज ना आपको ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये किसके हैं कैसे ब्लड टेस्टिंग होती है उसके कुछ फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं जैसे कि टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लासाइट फॉर द टेस्ट मलेरिया मलेरिया स्प्रेड थ्रू द फीमेल मॉस्किटोज ओके सो मलेरिया जो है वो किसके उस किससे होता है हमारे फीमेल मॉस्किटोज से होता है नॉट द मेल द फ़ीमेल मॉस्किटोज़ ही मलेरिया डिसीज़ को स्प्रेड यानी फैलाती हैं कौन से मॉस्किटोज़ फ़ीमेल मॉस्किटोज उनका नाम भी होता है एनाफोलिस 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 जो होते हैं वो होती हैं फीमेल मॉस्किटोज जो ये डिसीज़ को स्प्रेड आउट करती हैं डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप दिस माइक्रोस्कोप्स मेक्स थिंग्स लुक थाउजेंड टाइम्स बिगर द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स व्हिच मेक द थिंग्स लुक इवन बिगर देन द वन। सो अगर हम नॉर्मली हमारा ब्लड देखें तो हमको कुछ दिखता है क्या उसमें नो no. बट माइक्रोस्कोप क्या होता है माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर से अगर हम देखें तो हमें बहुत स्मॉल स्मॉल भी थिंग्स बहुत बड़ी दिखने लगती हैं सो so, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे ब्लड को कैसे टेस्ट करते हैं वो माइक्रोस्कोप से हमारे ब्लड को देखते हैं एंड देन दे सी कि हाँ उसमें कौन से जम्स घुस चुके हैं कौन से चीज़ ऐसी आपके ब्लड में इंटर कर चुकी है जिससे जिस कारण से ये डिसीज आपको हो सकती है सो so, इस तरह से डॉक्टर्स देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू फिर उन्हें पता चलता है एंड वो हमें बताते हैं कि आपको मलेरिया या कोई और डिसीज है ओके बाई दिस ब्लड टेस्टिंग इज डन ओके नाउ अगेन आरती ऑल द मॉस्किटोज लुक एट दुक द सेम टू मी मुझे तो सारे मॉस्किटोज एक जैसे लिखते हैं yes, सबको सारे मॉस्किटो क्या एक जैसे हो कि ये फीमेल है ये मेल है ये छोटा है ये बड़ा है ऐसे भीफाई राइट right? इसका नाम राजू है इसका नाम मोनू है ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या सारे ही मॉस्किटोज एक जैसे लिखते हैं राइट रजत देर मी समिफरेंस बट कुछ डिफरेंस तो होता है जो हमें नहीं दिखता है बट देर इज आ डि देट डेट टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेर द मॉस्टो है ऐसा तो नहीं है मॉस्किटोज तो कभी हमें यहाँ याड या, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है एंड वी फो गेट दैट कि कहाँ पर हमें मॉस्किटो ने बाइट किया था सो so, ऐसे कैसे हो सकता है कि यू विल रिमेंबरिंग ने इधर ही बाइट किया था आप इधर से ब्लड टेस्ट लो ऐसा नहीं होता है दे विल टेक अ ब्लड टेस्ट फ्रॉम योर फिंगर ओनली ओके

सो so, उसने क्या बोला कि उन्हें कैसे पता चला कि फिर तुमको ब्लड टेस्ट है क्या उन्हें कोई चीज उन्हें देखी होगी तुम्हारे ब्लड में सो ऑफ ऑफकोर्स जैसे उन्हें माइक्रोस्कोप से देख रही थी वैसे उन्हें देखी होगी रजत के भी ब्लड में राइट सो देर आर सम क्वेश्चन इन योर बुक बिटवीन दी स्टोरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सो क्वेश्चन नंबर वन इज डो यू नो एनी मलेरिया क्या तुम भी किसी को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ हैलेरिया so yes, मेरा भी एक दोस्त या मेरी भी एक दोस्त थी जिसे मलेरिया हुआ था सो आंसर इज ये वन ऑफ माई फ्रेंड का वस सफर फ्रॉम मलेरिया वन ऑफ माई फ्रेंड वंस सफर फ्रॉम मलेरिया ओके नेक्स्ट So रजत को कैसे मलेरिया सो उसने फाइन किया था विद द ब्लड टेस्ट विद्प ऑफ अल्ड टेस्ट उसे पता चल गया था कि उसको जैसे उसका रिजल्ट आया उसको पता चल गया कि उसको मलेरिया है सो इट वॉज फाउंड बाई द्लड टेस्ट कैसे पता चला बाई दी ब्लड टेस्ट ओके सो मलेरिया कैसे पता चलता है हमें है कि नहीं है बाय द हेल्प ऑफ अ ब्लड टेस्ट राइट नेक्स्ट व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया क्या क्या चीजों से आप सफर कर सकते हो क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या चीजें आपको फील होंगी आपकी बॉडी में जिससे आपको पता चलेगा कि आपको मलेरिया हो सकता है सो आंसर इज फीवर केम विदर्स ऐसा नहीं थोड़ा मोटा फीवर आएगा टू डिग्री वन जीरो थ्री इस तरह से आपको हाई फीवर आएगा और फीवर ऐसे नॉर्मली नहीं आएगा शिवरिंग होगी आपको कब कप कभी शिवरिंग यानी कब कप कभी महसूस होगी फिर आपको फीवर आता है किसमें मलेरिया में से ऐसे सिम्टम्स होते हैं ओके okay? और मलेरिया जब ऐसी कोई बड़ी डिसीज आपको आपकी बॉडी में इफेक्ट कैसे करती है कि आप वीक हो जाते हो उसके बाद कैसे हो जाते हो वीक हो जाते हो यानी कमजोर हो जाते हो राइट नेक्स्ट वॉट अदर डिसीजेस कैन बी कॉज बाई बाइट्स और कौन सी अलग डिसीजेज हैं जो हमको मॉस्किटो बाइट से हो सकती है सो फॉलोइंग अदर सम डिसीज विच कैन बी कॉज बाई द मॉस्किटो बाइट्स सो हमें एक मॉस्किटो बाइट से कौन सी कौन सी डिस हो सकती है मलेरिया तो हो ही सकता है एंड अदर आर डेंगू चिकनगुनिया एंड फलेरिया डेंगू चिकनगुनिया एंड फलेरिया जैसी हमको और अदर जो सिर्फ मॉस्किटो बाइट से होती हैं वो ये और अदर डिसीजेज भी हैं डेंग्यू चिकनगुनिया एंड फलेरिया ये सारी किससे होती हैं मॉस्किटो बाइट से सो so, थिंक आपको अपने आप को सेफ रखना चाहिए फ्रॉम द तो होते इतने छोटे से हैं और इतनी बड़ी बड़ी डिसीजेज दे जाते हैं राइट right? Next, so in which season is malaria more common? Why do you think this हैपन So सबसे ज्यादा हमें खुद भी सोचो सबसे ज़्यादा हमको मॉस्किटोज कौन से सीजन में दिखते हैं समर विंटर रेनी कौन से सीजन्स में हमको ऐसा होता है कि मॉस्किटोज काफी सारे हमको देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे ऐसा होता है कि हमको मॉस्किटोज जो है वो वाइट कर जाते हैं इन द सीज़न ऑफ रेनी सो इन द रेनी सीजन हमको मॉस्किटोज जो है वो काफी ज्यादा दिखते हैं बट ऐसा क्यों होता है कि रेनी सीजन्स में ही हमको जो है वो ज्यादा दिखते हैं सो मलेरिया इज अमन एन सी इन रेनी सीजन इन विच सीजन इन द रेनी सीजन और मॉस्किटोज गेट सुटेबल इन्वाद ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड हैंज देर देर आर मोर केसेस ऑफ मलेरिया सो so, उनको जो सीजन सुटेबल लगता है हाँ मॉस्किटोज को भी सीजन हमें भी सुटेबल लगता है कोई सीजन सिमिलरली मॉस्किटोज को भी कुछ सीजन सुटेबल लगता है अच्छा लगता है अच्छे लगने वाली बात नहीं है द थिंग इज दैट कि उनको ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन उनको वो बढ़ते हैं कौन से सीजन में रेनी सीजन में अपने आप को अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अमाउंट को अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं इसलिए वो रेनी सीजन में ज़्यादा आते हैं रेनी सीजन में अगर मॉस्किटोज ज़्यादा होंगे तो उनसे फैलने वाली डिसीज भी अपने आप इंक्रीज़ हो जाती हैं तो इसलिए

प्रोटेक्ट करना है अपने आप को तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे सो बीम मॉस्किटोज रिपेलेंट इन आर हाउस एंड आज माई फ्रेंड एंड फाउंड फॉलोइंग मेजर्स बींग यूज बाय देम सो मॉस्किटो रिपलेंट क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो मॉस्किटो से बचने के लिए रखते हैं लाइक ऑल आउट रहता है हमारे घर में वो मोटीन क्वाइल जो आती है वो रहती है हमारे घर में कुछ और कुछ ऑडोमस वगैरह जैसे क्या आते हैं क्रीम्स आती हैं जो हम लगा सकते हैं अपने बॉडी पे जो हमको मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करती हैं एंड व्हाट एल्स आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई मॉस्किटो कार्ड आ गए हैं मॉस्किटो अगरबत्तीज आ गई हैं एंड व्हाट एल्स हम पहले के लोग क्या लगाते थे मॉस्किटो नेट्स अपने आ, उस पर अपने बेड्स पे और आज भी लगाते हैं काफी लोग आज भी लगाते हैं सो so ये क्या है यही सब तो है कि मॉस्किटो से जो हमें बचा सके सो so उसके फ्रेंड जैसे कि मॉस्किटो दे कम इन एंड इस तरह से मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एज आई टोल्ड यू ऑडोमॉस मॉस्किटो नेट्स जो हम बेड पे लगाते हैं वायर मैश ऑन विंडोज कुछ लोग विंडोज में वायर मैश लगाते थे ऐसे कि उससे जो है बाहर के मॉस्किटोज एंटर ही ना कर पाए हाउस में कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखोगे ना तो कोई भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी नहीं वहाँ पर ज्यादा ग्रो कर पाएंगे और काफी सारी डिसीजेस से आप सेफ हो पाओगे ओके रिमूविंग द स्टेगेंट वाटर फ्रॉम दी सराउंडिंग्स हमेशा एन दी रेनी सीजन आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कहीं पानी जो है वाटर जो है मतलब रखे रखे अगर वो डर्टी वाटर है तो आपको स्टोर नहीं करना है ज्यादा उसको उसको स्टोर करोगे तो उसमें क्या होता है नए नए जो मॉस्किटोज होते हैं वो बहुत ईजीली ग्रो करते हैं नए नए मॉस्किटोज ग्रो करेंगे वो आपके घर में एंटर करेंगे और डिसीजेस फैलाएंगे तो कहीं पर भी हमको वाटर जो है वो स्टोर करके नहीं रखना है क्या नहीं करना है वाटर को स्टोर करके नहीं रखना है हमेशा मॉस्किटो रेपलेंट जैसे कि कॉयल्स ऑल आउट वगैरह अवेलेबल रखनी है घर में मॉस्किटो क्रीम्स आप यूज कर सकते हो मॉस्किटो नेट्स लगा सकते हो विंडो में आप वायर मैश लगा सकते हो और अपनी सराउंडिंग को क्लीन करो और कहीं पे भी वॉटर को स्टोर मत होने दो राइट नो नेक्स्ट

मलेरिया के क्या कुछ पैरासाइट फाउंड किए गए हैं इन द ब्लड सैंपल तो ये इससे क्या हो गया इसे पता चल गया दैट द पर्सन हैज मलेरिया पर्सन को क्या है मलेरिया है सो हमें नीचे एक सेंटेंस लिखा हो पता चल गया सो इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इट इज क्लियरली रिटन दैट मलेरिया पैरासाइट वॉज फाउंड इन द ब्लड रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि मलेरिया पैरासाइट वॉज फाउंड इन द ब्लड राइट इससे पता चल गया कि पर्सन हैज मलेरिया नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये बड़े में आपको दिख रहा हो क्लियरली लिखा है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल क्लियरली लिखा है सो so, इस रिपोर्ट से हमको यहाँ इतने बड़े सेंटेंस में लिखा हुआ है मलेरिया हमको पता चल गया अब मेडिसिन कौन से यूज होती है मलेरिया के लिए सो फ्रॉम अर्ली टाइम द ड्राइड पाउडर बार ऑफ द चिंचौना ट्री वॉज यूज टू मेक द मेडिसिन फॉर मलेरिया सो जो आपका एक चिंचौना सिंचोना सिंचोना जो है सिंचोना एक ट्री होता है जिससे क्या बनाते थे हम जिससे ट्री उस ट्री की हेल्प से हम मलेरिया की मेडिसिन बनाते थे बट अभी तो काफ़ी सारी और भी मेडिसिन आ गई हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं फॉर दी मलेरिया बहुत सारी टेबलेट्स हैं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम वो खा के क्या होते हैं वो मेडिसिन खा के हम ठीक हो जाते हैं ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट डिसीज़ जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है एनेमिया कौन सी डिशीज़ है वो है एनेमिया सो so, जो एनेमिया डिसीज़ होती है वो क्या करती है दैट वी ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इज यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे ट अरेज फुल ऑफ ब्लड द ब्लड टेस्ट शो दैट आई हैड एनेमिया So, you know सिरिंज भर के पूरे इंजेक्शन भर के क्या लिया था मेरा ब्लड लिया था और ब्लड टेस्ट में आया था कि मुझे एनीमिया हुआ था सो so, रजत ने पूछा वट इज दैट वो क्या होता है सो so, आरती ने कहा द डॉक्टर सेट देर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड उनने क्या कहा कि आपको जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम है और आपकी बॉडी में आयरन भी कम है आयरन वो वाला आयरन नहीं लोहे वाला जो बॉडी में एक आयरन प्रेजेंट होना चाहिए आयरन कैल्शियम वाइटाम ये जो प्रेजेंट होना चाहिए वो आयरन आपकी बॉडी में कम है

सो so, ये सारी चीजों में आयरन होता है तो आपको आयरन के लिए ये सारी चीजें खानी चाहिए ये इसको डॉक्टर ने बोला था राइट नेक्स्ट Nancy, how can there be an iron in इन body? आयसी ने क्या पूछा हमारी बॉडी में आयरन लोहा कैसे हो सकता है ने क्या कहा देर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूजेपर यर्स मैंने कुछ रीड किया था कल न्यूज पेपर में ऐसे ही कुछ तो रजत क्या हुआ रजत हंसने लगा और उसने क्या बोला सो देन यू एट एन आयरन और what? तो तुमने क्या आयरन यानी लोहा खाना शुरू कर दिया अपने आयरन की डिफिशंसी को कम करने के लिए सो आरती ने कहा सिली दिस इज नॉट एन नॉट द आयरन यूज टू मेक द कीज आय

कौन सा वाला जो लोहा हम बाहर के मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज होते हैं या हमारी बॉडी में एक आयरन प्रेजेंट होता है जो कम होने पे हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है राइट नेक्स्ट

This also affects their ability to study properly. So, 17 November 2007, when thousands of children in the municipal school cooperate. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल जो दिल्ली में है दिल्ली में एक स्कूल है वहाँ के ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन को क्या प्रॉब्लम हो गई थी एनीमिया डिसीज़ हो गई थी और जो एनीमिया डिसीज़ होती है वो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही क्या करती है इफ़ेक्ट करती है फिजिकल यानी हमारी बॉडी जो स्ट्रॉन्ग है वो नहीं रह पाती मेंटल यानी कि हमारे जो पीस ऑफ माइंड रहता है जो शांति रहती है दिमाग में वो भी इतनी अच्छे से नहीं रह पाती अगर हमको ऐसी कोई डिसीज़ हो जाए तो ओके सो ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन चिल्ड्रन ग्रो नहीं कर पाते ना उनकी कभी हाइट कभी वेट के इश्यू हो जाते हैं कभी किसी की हाइट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी कोई वेट नहीं गेन कर पाएगा इस तरह की प्रॉब्लम होती है एनीमिया में ओके okay? और उनका जो एनर्जी लेवल बहुत जल्दी थक जाएंगे कुछ भी खेलेंगे तो थक जाएंगे कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो तुरंत थक जाएंगे तो जिन्हें एनीमिया होता है उनका एनर्जी लेवल क्या होता है बहुत ज्यादा लो होता है और उनकी स्टडी एबिलिटी भी कम हो जाती है पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रेन एनेमिया आर आल्सो गिवन एन आयरन टैबलेट्स सो अब हेल्थ चेकअप रेगुलरली होता है स्टूडेंट्स का कि उनको एनेमिया जैसी प्रॉब्लम्स ना हो और हों तो तुरंत क्योर हो जाए यानी ठीक हो जाए ओके सो जो टैबलेट्स भी दी जाती हैं उनको आयरन की जिससे उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो राइट right? नाउ देर इज अ रिपोर्ट ऑफ आरती आरती की रिपोर्ट यहाँ गिबिन है तो आरती की रिपोर्ट में कैसे हमें पता चला था कि उसे एनीमिया है दैट हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है नेम में आरती है उसकी एज लिखी है ट्वेल्व वो फीमेल है ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंड डायग्नोसिस डायग्नोसिस यानी कौन सी चीज हमें पता चली है आपके ब्लड के टेस्ट में तो यहाँ पे लिखा है एनीमिया हमको पता चली है राइट यू कैन सी हीमोग्लोबिन कितना है हीमोग्लोबिन लिखा है और हीमोग्लोबिन लिखा है एट और कितना होना चाहिए या नॉर्मल रेंज नॉर्मल यानी हर बॉडी में कितना होता है ट्वेल्व टू सिक्सटीन होना ही चाहिए अगर आपका ट्वेल्व से कम जा रहा है यानी आपको एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है ओके सो आपका 12 टू 16 हीमोग्लोबिन होना चाहिए और अगर उससे कम आ रहा है तो आपको एनीमिया जैसी डिजीज है यानी कि राइट और यहाँ पे भी ये या आफ्टर दी वो जब क्योर हो गई तो उसका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ ये हमको पता चला ओके हम नेक्स्ट

12, तो इतना हीमोग्लोबिन तो कम से कम मिनिमम कम से कम ट्वेल्व तो होना चाहिए सो इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट सो कितना ज्यादा आप हुआ था, था कितना बड़ा था पहले क्या था उसका एट था फिर नेक्स्ट रिपोर्ट में हमने देखा था उसका टेन पॉइंट फाइव हो गया था तो एट से कितना इंक्रीज हो गया 10.5 इंक्रीज हो गया राइट सो बाय टू पॉइंट फाइव जी एम डी एल दैट इज बाय अराउंड 30 परसेंट उसका इंक्रीज हो गया इट टुक अबाउट थ्री मंथ्स उसको कितना टाइम लगा इंक्रीज करने में थ्री मंथ्स लगे ओके okay? नेक्स्ट वॉट डज द न्यूज पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनेमिया तो हमने न्यूज़ पेपर की रिपोर्ट पढ़ी थी जो स्कूल दिल्ली के स्कूल में एनीमिया के केसेस इंक्रीज हुए थे तो उससे क्या हुआ था लोगों की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन पर इफेक्ट पड़ा था सो द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट सेट दैट एनीमिया इफेक्ट्स बोथ कौन सी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं ड्यू टू दिनमिया चिल्ड्रेन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड एनर्जी लेवल्स डाउन दिस अफेक्ट देयर स्टडी एज वेल सो इसके कारण चिल्ड्रेन प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते वेट और हाइट में उनके प्रॉब्लम आती हैं और उनकी स्टडी भी इससे अफेक्ट होती है ब्लड टेस्ट वेन एंड वाई क्या आपकी फैमिली में या आपका कभी ब्लड टेस्ट हुआ है सो आंसर इज येस माई मदर है ब्लड टेस्ट अबाउट सिक्स मंथ बैक फीवर तो फीवर आ रहा था बार बार फीवर आया तो हम सबसे पहले आपको क्या कराना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए बॉडी में कौन सी डिसीज है ओके okay? सो so, फीवर आने पर हमने क्या चेक कराया हमारी मदर का ब्लड टेस्ट कराया सिक्स मंथस बैक ओके नेक्स्ट वॉट वॉज फाउंड आउट बाई द्लड टेस्ट क्या आप क्या ब्लड टेस्ट कराने के बाद क्या निकला था तो ब्लड रिपोर्ट सेट दैट माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया ब्लड टेस्ट का जब रिजल्ट आया तो वी कम टू तो नो दैट माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया मेरी मदर किससे सफर कर रही थी मलेरिया से ओके

आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम व्हिच कंटेन आयरन किन-किन फूड आइटम्स में आयरन होता है या आप डॉक्टर या अपने बड़ों से एल्डर्स से पूछ सकते हो सो so, आयरन होता है आई आस्क माय फादर ही टोल्ड दैट ग्रीन लीफी हरी पत्तियों की सब्जियों में आयरन होता है एंड स्पिनच लाइक स्पिनच स्पिनच यानी पालक लिकटूस कैबेज कंटेन आयरन